और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। और गाइस देखो, मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, 73% लोडिंग प्रॉब्लम, 73% मतलब 73% लोडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड भाई कमेंट भरे ही पड़े हैं, ठीक है, और आते ही जा रहे हैं कंटिन्यू। और एक बात बताऊं भाई, कल रात को मैं भी जब यहाँ पे गेम खेल रहा था, BGMI खेल रहा था, तो बीच में एक मैच ऐसा आया जिसमें मेरा गेम आके लोडिंग पे 73% पे आके अटक गया। उसके बाद भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि भाई ये गेम चल जाए, मैंने एयरप्लेन मोड पे भी डाला, मैं वाईफाई से तो वैसे खेलता ही हूँ लेकिन वाईफाई बंद करके मैंने मोबाइल डेटा पर भी इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गेम नहीं चला। वापस ही लॉबी में ढकेल देता है, रीज्वाइन का मैसेज आता है, ओके कर देते हैं, तभी भी कुछ भी नहीं होता है, और उसके बाद तो रीज्वाइन का मैसेज भी आना बंद हो जाता है, फिर नया गेम स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये पूरी चूतियापंथी अभी चल रही है इस टाइम पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि BGMI ने अपने ऑफिशियली डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये चीज़ बताई है कि उन्होंने ये बताया है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसके ऊपर इनकी टीम जो है वो कड़ी जांच एकदम कर रही है, बहुत तगड़ी जांच कर रही है कि भाई कौन सी ऐसी कोडिंग गलत होगी कि बंदों का 73% पे आके अटकने लगा है। वैसे इनका कहना यह है कि जो एयरटेल कस्टमर होते हैं, जिनके पास एयरटेल का सिम, एयरटेल का डेटा यूज़ करते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने उनसे भी बात की कि आप अपने नेटवर्क में चेंज करो, कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं जिस वजह से गेम नहीं चल पा रहा है, ठीक है। बाकी इन लोगों ने ये चीज़ बोली है कि हम जो है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला था कि गेम जो है बहुत ही जल्दी जो है खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि अभी ये लोग सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं भाई, गेम के ऊपर करते नहीं, और देख रहे हो आए दिन आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। पूरा ये बक्स मोबाइल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो इसको बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज है कि भाई ये 73% पे ही आके क्यों अटकता है, ये आप लोगों के मन में काफी ज्यादा चुभ रहा होगा कि भाई 80 पे अटक जाए, 10 पे अटक जाए, 50 पे अटक जाए, ये 73 पे आके क्यों अटकता है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 73 बार इन्होंने अपनी मरवाई अच्छी तरीके से, 73 तरीके के अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपनी मरवाई है, कुल 73 तरीकों से इन्होंने अपनी मरवाई है, इस वजह से इतना मनपसंद हो गया 73 का आंकड़ा कि वो लोडिंग पे आके अटकने लगा है। वैसे ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ ही दिन में सॉल्व कर दी जाएगी, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है वैसे है। अब यहाँ पे देखो, कल इन लोगों ने बोनस चैलेंज एक्टिवेट कर दिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, थोड़ा खुश होकर वीडियो बनाई थी कि भाई कुछ अच्छे काम ये लोग करने लगे। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि हो सकता है भाई ये ग्लिच भी हो और इन लोगों ने गलती से डाल दिया, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो सन की बालों से कम नहीं होती है, ठीक है। तो इन सालों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो है कुछ ही घंटे बाद, जो है एक दो घंटे बाद ही बोनस चैलेंज को रिमूव कर दिया। मेरे पास भी कमेंट आने लगे, भाई भी रिमूव कर दिया यार, आपने बोला रिमूव कर देंगे, देखो इन्होंने रिमूव कर दिया। तो भाई देखो, इनकी हरकतें सभी लोगों को पता है, एक आदमी जो पूरी तरीके से नंगा पड़ा हुआ है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि वो आगे जाके कपड़े पहनेगा, पूरी जिंदगी जो नंगा रहा है आगे जाके वो पहने ना पहने कपड़े उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने अपने ऑफिशियली डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये चीज भी मेंशन की है बोनस चैलेंज से रिगार्डेड, कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई गलती से हम लोगों ने जो है ये सारा सीन कर दिया। वैसे पूरा अंग्रेजी में पेन रखा है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इन लोगों ने लिखा है कि सुबह उठ के इन्होंने अपने पिछवाड़े में एक उंगली घुसाई थी, उंगली घुसाने के बाद उन्होंने वही उंगली अपने नाक के पास लाके तगड़े से सूंघ ली है, और वो इतनी तगड़ी उन्होंने सूंघ ली थी कि इतने जोर से उनको नसें चढ़ गए कि गलती से उन्होंने बोनस चैलेंज जो है वो एक्टिवेट कर दिया BGMI के अंदर। अब भाई देखो, हो सकता है भाई टट्टी का नशा कर लिया, भाई हो गई होगी गलती, क्या ही कर सकते हो। लेकिन इसमें इन लोगों ने ये चीज़ बताई है कि अभी फिलहाल जो है कि टेस्टिंग चल रही है, चीज़ जो है वो डेवलप कर रहे हैं, पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं है, बाई मिस्टेक एक्टिवेट हो गया था। लेकिन ये चीज़ इन्होंने बोला है कि वो शेड्यूल किया जाएगा और बहुत ही जल्द वो आने वाला है, तो एक चीज़ ये तो हमारे लिए वैसे ठीक ही है, लेकिन जो गलती इन्होंने की उस पर तो थोड़ी गाली बनती थी, तो वो मैंने दे दी। अब बात करते हैं A8 रॉयल पास के रिवार्ड के बारे में, और सारे रिवार्ड आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि आपको इस रॉयल पास के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मेन रिवार्ड, यानी कि जो 100 लेवल पे आपको आउटफिट मिलने वाला है, वो आप लोग देख ही सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये आउटफिट आपको 100 लेवल पे देखने के लिए मिल जाएगा, अधनंगा आउटफिट है, मेरे को पता है पूरे कपड़े कभी भी नहीं पहनाएंगे क्योंकि अभी उनके पास वैसे ही पैसों की काफी कड़की चल रही है। उसी के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वेव विस्पर आउटफिट, जो कि मैंने आप लोगों को जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में नाम बताया था इसका, तो ये आउटफिट आप लोग देख सकते हो, ये है आपका वेव विस्पर आउटफिट। उसी के बाद आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक सी क्रिटर सेट भी देखने के लिए मिलने वाला है A8 रॉयल पास के अंदर। सी क्रिटर सेट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आगे बात करते हैं गन के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पे नॉटिकल नाम की एक ऑक की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी A8 रॉयल पास के अंदर, ठीक है। स्किन बाकी आप लोग देख ही पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके की है। उसी के साथ आप लोगों को DVS की यहाँ पे सब मर्सिबल नाम की एक स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये भी स्किन आप लोग देख पा रहे होंगे। वैसे अच्छी स्किन है, मेरे को भी अच्छी लगी है।
उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ पे शॉर्ट गन की एक बीच बड़ी नाम की आप लोगों को स्किन देखने के लिए मिल जाएगी A8 रॉयल पास के अंदर, ठीक है। तो ये भी चेकआउट आप लोग कर सकते हो अगर शॉर्ट गन यूज करते हो, तो ये स्किन फिर आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया वैसे लगने वाली है। उसी के आगे आप लोगों को यूजी की सीक्रेटर नाम की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, और मेरे को ये स्किन पर्सनली काफी ज्यादा सही लगी है, बढ़िया है ये यार, अच्छी स्किन है और रॉयल पास के अंदर आ रही है, तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, तो जो SLR की अपग्रेडेबल स्किन थी उसका नाम यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सी ड्रीम मेलेडी होने वाला है, और अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके की ये स्किन जो है वो देखने में लग रही है, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा प्रीव्यू अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर आप लोगों को एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट जरूर दिख जाएगा इस स्किन का कि कैसे रहने वाले। वैसे SLR ज्यादा बंदे यूज तो करते नहीं है, मैं खुद यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इमोट की बात करते हैं, तो यहाँ पे A8 रॉयल पास का आप लोगों को विक्ट्री डांस इमोट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, चेकआउट कर सकते हो इमोट, और विक्ट्री डांस का इमोट तो आप लोगों को पता ही है कैसे मिलता है, तो ये सही है, ठीक ही ठाक है, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे इमोट है जो कि आपको बिना रॉयल पास परचेज किए भी मिलते हैं, और कुछ इमोट होते हैं जो आपको रॉयल पास परचेज करने के बाद मिलते हैं, तो वो सारे इमोट जो है आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे फ्री के इमोट है तो आपको पता है भद्दे सही रहने वाले हैं, और बाकी कुछ अगर आप जो रॉयल पास परचेज करते हो तो वहाँ से फ्री में जो कलेक्ट करते हो, जो खाली परचेज करते हो उन्हीं के लिए होते हैं, वो वाले इमोट भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कैसे लग रहे हैं दिखने में। वैसे ठीक ही ठाक है यार, इतनी बुराई वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही तो चीज़ है जिसमें हमारा थोड़ा बेनिफिट होता है, उसमें भी बुराई कर देंगे भाई फिर क्या ही पता चले, ये भी देना लोग बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है मडी क्लाउनफिश नाम की एक जो है हेलमेट की स्किन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। वैसे मूडी क्लाउनफिश नाम है, मैंने मडी ऐसे मजे में बोल दिया, तो ये हेलमेट की स्किन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है ऑक्टू सरप्राइज नाम का एक बैकपैक की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से ये स्किन अवेलेबल नहीं है, एक आप लोग यहाँ पे इस इमेज को देख के जो है पता लगा सकते हो कि किस तरीके की आपकी जो बैकपैक की स्किन है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारी व्हीकल की स्किन की, जो कि मैंने बताया था कि आप लोगों को जेट स्की की यानी कि स्पीड बोट की स्किन देखने के लिए मिलेगी। वायलेंट वेंचर यहाँ पे स्किन का नाम है, और स्किन आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके की स्किन लग रही है, यही आपको A8 रॉयल पास के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। अब बात करते हैं अपने प्लेन फिनिश के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ्रिगेट एक्वा प्लेन फिनिश यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और प्लेन फिनिश काफी ज्यादा धांसू है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा धांसू है, पूरा एकदम ग्लेशियर टाइप का जो है वो लुक हमको देखने के लिए मिल रहा है, सही है। अब की बार के जितने आए उनसे तो मेरे को वैसे बेटर ही लग रहा है, आपके जो हाल ही में 2-3 आए उनसे बेटर लग रहा है। बाकी इसी के साथ विंगमैन की भी आपको जो है कि स्किन देखने के लिए मिलेगी, जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है उसकी स्किन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेजेंडरी तो नहीं है वैसे, लेकिन स्किन काफी ज्यादा सही है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ग्लेशियर की याद हल्की फुल्की दिखा देगी, लेकिन अच्छी स्किन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेलेडी स्ट्रिंग रे की स्किन देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि ये पता नहीं पानी में चलने वाला कोई जानवर नहीं होता है जो कि फिश टाइप की होती है, तो ये इस तरीके की स्किन आपको मिल जाएगी भाई देखने के लिए, और वाओ मोड के लिए भी एप्लीकेबल होने वाली है, और वैसे भी आप अगर इन गेम में भी लोगे तो भाई उसमें तो स्किन आपकी ऑफकोर्स लगने ही वाली है, ठीक है। तो ये स्किन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारी कुछ झाटू चीज़ें होती हैं जैसे सी हॉर्स ऑर्नामेंट हो गया, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये जो झाटू चीज़ें रॉयल पास में देना इनको बंद कर देना चाहिए। और प्लस जो कुछ ग्रेनेड की स्किन होती है, तो ये ग्रेनेड की स्किन आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी, ग्रेनेड की स्किन आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो ओवरऑल यही सारे रिवार्ड जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये A8 रॉयल पास के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेवल अभी क्लियर नहीं है कि किस लेवल पर कौन सा रिवार्ड मिलेगा, 100 लेवल वाला क्लियर था वो मैंने दिखा दिया, बाकी की जैसी चीज़ें क्लियर होती मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी 3.3 अपडेट के जो एक्सूट आने वाला है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और नाम बताया था कि ग्लाडरिया एक्सूट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सूट का आप फुल लुक देख सकते हो, ये वाला एक्सूट जो है ये हमारा ग्लाडरिया एक्सूट है और लेवल 1 का एक्सूट है। वैसे फाइनल लेवल तक तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं एक्सूट में, लेकिन ये बेसिक एक्सूट है लेवल 1 का, ये आप लोग देख सकते हो। प्लस इसके साथ आपको जो है MG3 की अपग्रेडेबल स्किन भी देखने के लिए मिल रही होगी, तो ये दोनों चीजें हैं जो कि आपको 3.3 अपडेट में देखने के लिए मिलने वाला है। और इस एक्सूट के साथ आपको एक जो है बहुत ही बड़ा ग्लाइडर देखने के लिए मिलेगा, तो ये ग्लाइडर तो मेरे को लगता है भाई अलग ही थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, ग्लाइडर देख के ऐसा लग रहा है कि ऑक्टोपस के ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। अभी तक पानी में चलता था, अब आसमान में उड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं भाई, क्या ही करें, ठीक है। बाकी एक खुशखबरी और है कि 3.3 अपडेट में हमारी लैम्बोर्गिनी जो है वो वापस हो रही है, और जितनी भी उसकी स्किन वगैरह थी वो सारी की सारी कम बैक हो रही है। तो भाई जिन बंदों को वेट था कि भाई लैम्बोर्गिनी आए, तो लैम्बोर्गिनी आ रही है भाई, लगा लेना जो भी जिस बंदे के पास हो भाई लगा लेना, हम तो भाई लगाने नहीं वाले, हमको तो आगे भी बहुत काम होता है यार, पैसों का इसी में लगा देंगे भाई, आगे क्या करेंगे, ठीक है। बाकी इसी के बाद आगे बात करते हैं, तो 3.3 अपडेट में आपको जो नया कंपेनियन देखने के लिए मिलने वाला है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे। अब इस कंपेनियन को आप लोग चीता भी कह सकते हो, इस कंपेनियन को आप लोग पैंथर भी कह सकते हो, यानी पहले शेर आया अब चीता ही आया, चीता ही कह दे मोए, मतलब वही वाला सीन हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो कोई लोग ये बोल रहे थे कि भाई थोड़ा चिड़ियाघर जैसा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा कंपेनियन तो कंपेनियन ही होता है भाई, जानवर ही आएगा, कोई इंसान तो देंगे नहीं कंपेनियन में। जो भी हो, इसकी दो स्किन आपको दिख रही होगी, एक व्हाइट दिख रही होगी, एक ब्लैक दिख रही होगी, वैसे इसको पैंथर ही बोलते हैं मेरे हिसाब से।
अब यहीं पे आगे बात करते हैं। तो 3.3 अपडेट में आप लोगों को नया परचेस बोनस देखने के लिए मिलेगा। अभी जो परचेस बोनस चल रहा है वो आप लोग देख सकते हो, ये वाला आउटफिट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन 3.3 अपडेट में आपको ये वाला आउटफिट देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन थोड़ा उस तरीके से बोल रहा हूँ कि चीजें थोड़ी स्पेशल लगे, आपको भी मजा आए, ठीक है। तो ये आपको जो है परचेस बोनस पे देखने के लिए मिलेगा 3.3 अपडेट के अंदर। और इसी अपडेट में आप लोगों को एक नया वेपन देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम होने वाला है AMP DSR, और ये एक स्नाइपर है, ठीक है। अब ये वाली आ रही है तो इसको भी देखते हैं भाई क्या है, किस तरीके से काम करती है। अच्छी होगी तो बंदे यूज करेंगे, घटिया होगी तो भाई कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला है। बाकी इसी के साथ एक और खुशखबरी है जो कि थोड़ी ज्यादा ही है, कि आप लोगों को जो है सर्वाइव टिल डाउन यानी कि जो ज़ॉम्बी मोड था, अब 3.3 अपडेट में वापसी करता हुआ दिख जाएगा BGMI ग्लोबल वर्जन दोनों में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है, थोड़ी अपनी ओल्ड मेमोरीज जो है वो दोबारा से जाग जाएंगी। अभी तक तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है गेम के अंदर, लेकिन एटलीस्ट वो चीज आ रही है तो बंदे जो है थोड़ा सा तो इंटरेस्टेड होंगे। यार बहुत बंदों का फेवरेट था, पर्सनली बता रहा हूँ मेरा खुद वो फेवरेट था, ठीक है। तो ये चीज आ रही है, ये एक अच्छी बात है। बाकी और भी कई सारी अपग्रेडेबल गन की स्किन है जो कि आपको 3.3 अपडेट में देखने के लिए मिलने वाली है गेम के अंदर, जिनमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी ये स्कारल की गन है, जिसका नाम होने वाला है सेरेन लुमिना। मैं तो भाई नाम कसम से बता रहा हूँ, ऐसे नाम रखते हैं भाई प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। सेरेन लुमिना यहाँ पे होने वाली है स्किन का नाम, लेवल 7 की स्किन होने वाली है। उसके बाद आप लोगों को जो है ग्रोजा के यहाँ पे रेमनेट्स करके एक स्किन देखने वाली है, प्रीमोडियल रेमनेट्स करके स्किन का नाम है, लेवल 5 की स्किन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और MK14 के आपको विटल सोर्स नाम की एक स्किन देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन लेवल क्लियर नहीं है क्योंकि लेवल सबके निकलता है, इसके अभी नहीं निकले हैं। जैसे इसके लेवल निकल जाएंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। बाकी 3.3 अपडेट की लीक्स आपने देखी ली होगी कि आपको अंडर वाटर आइलैंड देखने के लिए मिलने वाला है। अभी तक ग्राउंड पे आइलैंड थे, हवा में आइलैंड थे, अब जो है नई चीज़ हो रही है, अंडर वाटर आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी ऊपर हवा से कूद के सीधा पानी के नीचे आप लोगों को जाना है। और भी काफ़ी सारे चेंजेस है 3.3 अपडेट में, फाइनल बेटा भी अभी रेडी नहीं हुआ है, तो मैं एक स्पेसिफिक मतलब कि एक सिंगल वीडियो बना दूंगा 3.3 अपडेट से रिलेटेड, जिसमें सारे फीचर बता दूंगा जो जो उसमें आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे ग्लोबल वर्जन की अगर बात करते हैं तो भाई ग्लोबल वर्जन तो बढ़िया से बढ़िया काम करते ही जा रहा है, और दिल में उसके लिए भाई जगह बनती ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे न्यू मिस्ट्री बॉक्स स्पिन करके एक इवेंट आया है ग्लोबल वर्जन के अंदर। अब इसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ मिशन दिखते हैं। अब यहाँ पे ये डेली मिशन है, और इन मिशन को आप बहुत ही इजीली कंप्लीट करके एटलीस्ट यहाँ से 2 से 3 जो वाउचर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो फ्री ड्रॉ कार्ड जो होते हैं, वो इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। और इन वाउचर को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे जो इन्होंने ये स्पिन दे रखी है या फिर ड्रॉ करने का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप जो है फ्री में ड्रॉ कर सकते हो, यानी एटलीस्ट दिन के आप 3 बार जो है इस मिस्ट्री बॉक्स स्पिन को फ्री में स्पिन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ के रिवार्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रिवार्ड की लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। एक एक रिवार्ड तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अंदाजन आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितने तगड़े रिवार्ड है इसमें। और इसी के साथ आप लोग को एक बाइक की स्क्रीन भी देखने के लिए मिल रही है, तो भाई कितनी बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन भाई ग्लोबल वर्जन के लिए कहां भाई BGMI कहां देगा भाई फ्री के इवेंट। BGMI तो अभी गेम भी ठीक से नहीं चला पा रहा है, 73% पे तो गेम अटका रहा है, पूरे बग से भरा हुआ है गेम अभी इस टाइम पे, तो खाली पैसा छापना है। बोनस चैलेंज लाया भाई, उसमें बहुत बंदों ने 10 UC लगा के वाउचर भी परचेस कर लिया, उनकी 10 UC भी ले गया। छोड़ो भाई क्या करोगे, 10 रुपये किसी भिखारी को देने से आपको जो है पुण्य मिलता है, तो इसलिए 10 रुपया आपने दे दिया भिखारियों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको जो है मन में कुछ गलत नहीं रखना है, समझ जाओ कि यार मैंने दान दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुण्य में जुड़ेगा। तो गाइस देखो यही सारी चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में मुझे कवर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और धन्यवाद।